हेलो राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? और अभी गुड मॉर्निंग तो नहीं कह सकती, समथिंग 10 या 11 बजे का टाइम है, तो गुड मॉर्निंग ही है। तो बस आज जो है ना, यहाँ पर ये कटोरा जो है ना लगने वाला है, और काम वाले भैया आज आ गए थे, तो फाइनली जो है ना रेलिंग बनकर तैयार हो गई है। कुछ इस तरह की दिख रही है, बजट वाली रेलिंग। अगर आप चाहते हो कि आप बजट में कुछ काम करवाना चाहते हो तो ये तरीका बहुत अच्छा है, मजबूती के तौर पर भी बहुत अच्छा है। और स्टील के इस तरह की हमने पाइप लगवा ली है जो कि काफ़ी स्ट्रांग है, मतलब इस पर आप अच्छे से लटक के खड़े भी हो सकते हैं, इतना मतलब ये मजबूत हो जाते हैं और बजट में तो आ ही जाते हैं। तो समथिंग ये हमें 10,000 की पड़ी है, दोनों ऊपर और नीचे वाली रेलिंग, तो काफ़ी बजट में है। अगर आप वैसे रेलिंग बनवाओगे तो थोड़ा सा आपको जो है ना कॉस्टली पड़ता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, अगर आपका भी घर बनने वाला है तो आपको एक आइडिया जो है ना मिल पाएगा। मैं वैसे कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ जो हमने करवाई हैं। इसके बाद हम लगा रहे हैं यहाँ पर चिड़ियों के लिए पानी पीने का जो कटोरा होता है ना, वो यहीं चिपकवा देते हैं, क्योंकि वैसे अगर आप ऊपर से रखते हो ना तो तेज़ आंधी जब चलती है तो ये कटोरा जाकर नीचे गिरकर जो है ना टूट जाता है। तो इसको जो है ना हमने यहीं फिक्स करवा दिया है, ताकि इसमें जो है ना ये हमें दिखेगा तो रोज़ जो है ना हम इसमें पानी डालेंगे, तो इस वजह से कटोरा हमने फिक्स करवा लिया है। आपको ये तरीका कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर। वैसे बहुत सिंपल सा तरीका है, लेकिन मुझे ना ये कटोरे को देखकर ना पहले के ज़माने की याद आई, जब मैं छोटी थी ना, तो हमारे यहाँ जो है ना हमारी दादी और बहुत सारे घरों में जो है ना इसी तरह से बर्तन को जो है ना मिट्टी से चिपका के रखते थे, ताकि आंधी वगैरह आए तो ये कटोरा नहीं गिरता था, और आपको हर जगह जो है ना दिखाई देता था इस तरह का कटोरा, हर घर में जो है ना आपको दिख जाता था। तो फाइनली रेलिंग बनकर तैयार हो गई है। थोड़ी थोड़ी मैं मुझे भैया की मदद करवानी पड़ती है, जब आपका अपना खुद का घर बनता है तो हेल्प करवाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप हेल्प नहीं करवाओगे तो छोटी छोटी आपके घर में मिस्टेक हो जाती हैं, और फिर जो है ना आपको आगे जाकर दिक्कतें होती हैं। तो जब घर बन रहा होता है ना, तो बहुत टाइम जो है ना इसको देना होता है, हर चीज़ को बारीकी से आपको देखना पड़ता है। अगर आप बारीकी से चीज़ें नहीं देखोगे तो फिर से जो है ना दोबारा से आपको मेहनत करवानी पड़ेगी। इसके बाद जो नीचे के पोर्शन का चैम्बर है ना, ये भी बहुत कच्चा था, तो आगे जाकर इसमें पानी वगैरह ना बैठे, इस वजह से इसमें भी जो है ना हमने टाइल्स वगैरह लगाकर इसको एकदम पक्का कर दिया है, ताकि कहीं से कोई पानी ना बैठे। जब आप अपना घर बनवाते हो तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है सीढ़न की, मतलब बहुत समस्या आती है, कोई पाइप लीक हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो इसलिए जो है ना हमने इसको एकदम पक्का करवा दिया। जितने छोटे छोटे काम हैं कोशिश कर रहे हैं उनको पूरा कम्प्लीट करवा लें। वैसे घर कभी पूरा नहीं होता है, ये सच है कि कभी चीज़ें पूरी होती ही नहीं है घर की, कुछ ना कुछ लगा रहता है। फिर भी जितना हो सकता है हम इस बार पूरा काम करवाएंगे, वो इसीलिए क्योंकि बार बार जो है ना घर बहुत ज़्यादा फैलता है, लाइफ हमारी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है और बहुत दिक्कतें होती हैं, तो इसीलिए जो है ना यूट्यूब पर आजकल मेरे प्रॉपरली ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं। जितना बना पाती हूँ वीडियो आप लोगों के साथ बस शेयर कर देती हूँ। टाइल्स का भी काम शुरू हो गया है, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको थोड़ा थोड़ी टाइल्स दिखाई थी, तो अब जो है ना ये टाइल्स लग चुकी हैं, और आसमानी सा ही कलर आप इसे कहोगे, हाँ तो वैसे ही कलर की लगवाई हैं, और ये कलर जो है ना आंखों को ठंडक देने वाला है। मुझे पर्सनली ये कलर बाथरूम में बहुत अच्छा लगता है, छोटी छोटी इसमें बिंदियां हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, इस वजह से मैंने यही कलर जो है ना सिलेक्ट किया था। काफ़ी बजट में जो है ना ये बाथरूम हमारा बन के तैयार हो गया है, तो बहुत बजट वाला जो है ना हम लोगों ने इस बार काम करवाया है। इसमें भी जो है ना आज टाइल्स लग जाएंगी, तो फिर लगने के बाद मैं इसमें दिखाऊँगी। और हाँ, इस तरह का आरा जो है ना हमने बनवाया है। यहाँ पर जो है ना हमारा स्टोर रूम बनकर तैयार हो गया है, काफ़ी बड़ा स्टोर रूम है, और अभी जो है ना सुबह का टाइम हो गया है, तो 2-3 दिन का इकट्ठे वाला वीडियो है, थोड़ा थोड़ा करके मैंने ये वीडियो पूरा कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर स्टोर रूम बन गया है, बहुत सारा घर में सामान इकट्ठा हो गया, जैसे कि घर बना तो घर का बनने का जो सामान होता है वो भी हमारे यहाँ इकट्ठा हो गया, जैसे कि चैली, बल्ली, बजरी छानने वाला छन्ना और फावड़ा, तो मतलब वैसे छोटे छोटे सामान इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए ना, तो इनको रखने के लिए भी जगह चाहिए, तो इस वजह से जो है ना एक प्रॉपर हमने स्थान मतलब जगह बनवा ली है। काफ़ी बड़ी टीन सेट
बैठे इसके अंदर जो है ना आप खटिया बिछा कर, मतलब चारपाई बिछा कर आराम से बरसात के सीज़न में लेटिए, बहुत अच्छी हवा इसमें आती है। तो यहाँ पर ये तैयार करवा लिया है और पंडित जी बस वही तलाई वगैरह कर रहे हैं। सुबह सुबह हमारा यही काम होता है, हाथ में हम सबके हाथ में लीजम आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आप घर में कैसा भी मटेरियल लगवा लीजिए, कितना भी महंगा मटेरियल लगवा लीजिए, अगर आपने तलाई अच्छे से नहीं की है तो आपका घर बहुत बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं बनेगा। तो घर बनते समय बहुत ज़्यादा ध्यान जो है ना आपको देना पड़ता है। इसके बाद शाम हो गई थी और शाम को हम गए थे टाइल सिलेक्शन करने। बहुत सारी टाइल्स हमने देखी, जैसे कि आप लोगों को मैं थोड़ा थोड़ा करके वीडियो में दिखा भी रही हूँ। वैसे जब मैं टाइल्स लेने गई थी तो एक चीज़ मेरे माइंड में थी कि मुझे वाइट टाइल्स लेनी है, तो वाइट में थोड़े थोड़े से जैसे कि रेसे ये बने हुए हैं जैसे कि आपको वीडियो में देख रहे हैं, तो मुझे ऐसे ही रेसे वाली सेट टाइल्स लेनी थी और बहुत ज़्यादा डिज़ाइन वाली टाइल्स नहीं लेनी है, क्योंकि हमारे नीचे के फ्लोर में ऑलरेडी बहुत डिज़ाइन वाली टाइल्स लगी हुई है। तो उससे थोड़ा सा मेरा मन भर गया था कि उसमें फ़ोटो ज़्यादा अच्छे नहीं आते हैं, क्योंकि रेसे जो है ना बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, जैसे कि आप लोग इन वीडियो में देख रहे हो इस तरह की टाइल्स हैं हमारे घर में, तो ये रेसे बहुत ज़्यादा हाईलाइट होते हैं, तो उस वजह से मुझे एकदम वाइट टाइल्स चाहिए थी। चलिए आपको दिखाती हूँ मैंने कौन सी टाइल्स ली है। तीन टाइल्सों में से हमें एक टाइल्स डिसाइड करनी थी, जो बीच वाली टाइल्स है वो हमने फाइनल कर दी थी क्योंकि उसका कलर हमें बहुत अच्छा लगा। मुझे ज़्यादा मतलब डिज़ाइन वाला तो बिल्कुल भी कुछ नहीं चाहिए था, एकदम सिंपल सादा चाहिए था, क्योंकि इस बार ऊपर के फ्लोर में थोड़े छोटे छोटे कमरे हैं। जब आपके घर में छोटे छोटे कमरे होते हैं तो आप वाइट कलर की टाइल्स लगाते हो तो कमरा थोड़ा सा बड़ा दिखता है और उस पर जो है ना थोड़ा सा कम डिज़ाइन वगैरह होना चाहिए। जितना सिंपल आप रखोगे उतनी चीज़ें बहुत हाईलाइट होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने थोड़ा बहुत गूगल पर सर्च किया, देखा, और थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस हो ही जाता है जब आप इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हो। तीनों बाथरूम जो है ना हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ऊपर के बाथरूम में भी टाइल्स लग चुकी हैं जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया। जैसे सारा कंप्लीट होगा आपको आराम से तसल्ली से सब कुछ टूर दूंगी, और यहाँ पर जो है ना ऊपर भी इस तरह की रेलिंग लग गई है, तो अगर आप बजट में कुछ कराना चाहते हो तो ये बहुत बेस्ट तरीका है, बहुत सही है। और फिर देखिए घर में तो आप कितना भी पैसा लगा दीजिए सब कम पड़ता है, तो जितना भी लगा दिए लाखों भी रुपए भी इस पर खर्च कर दीजिए वो भी आपको कम लगेगा। तो बस काम करवाना है घर का और एक बजट में रहकर करवाना है और थोड़ी मजबूती का थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है ना टाइल्स का काम चल रहा था, टाइल्स वाले भैया जो है ना टाइल्स लगा रहे थे, तो टाइल्स जब आप लगवाओ ना तो एक एक्सपीरियंस वाले आदमी से लगवाना, मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी से भी लगवा रहे हो, क्योंकि टाइल्स की अगर सही से फिटिंग नहीं होती ना तो वो आगे जाकर आपको बहुत दिक्कत करती है, जो हमें नीचे वाले फ्लोर में थोड़ा बहुत हमें फेस करना पड़ रहा है। तो जब भी आप लगवाओ तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाले इंसान से लगवाओ, थोड़ा इसमें थोड़ा सा कंजूसी बिल्कुल मत करना, इसमें अगर आपने कंजूसी कर दी ना तो आपकी पूरी टाइल्स ख़राब हो जाती हैं। तो बस यही था, तो हमने इस बार जो ना थोड़े एक्सपीरियंस वाले इंसान को जो है ना चुना था अपनी टाइल्स को सिलेक्ट करने में, मतलब लगवाने में। तो यहाँ पर जो है ना कितना बढ़िया लग रहा है, आप लोग मुझे बताना कि ये बाथरूम कैसा लग रहा है। इसमें अभी काम होना बाकी है, अभी पूरा कम्प्लीट नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे कंप्लीट हो रहा है वैसे ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए सुंदर लग रहा है ना कलर, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये कलर जो है ना आंखों को ठंडक देने वाला है, और बाथरूम में अगर आप इस तरह के कलर यूज़ करते हो बहुत बढ़िया लगता है। यहाँ ये है नीचे वाले फ्लोर का बाथरूम, तो अभी जो आपको साइड में दिख रही है ना जो हमने पत्थर लगवाया है, तो इसको हम एकदम टाइल से ही एकदम पैक हो जाएगा, क्योंकि ये जब कारीगर भैया आए थे ना तो उन्होंने ये करवा दिया है, काफ़ी मजबूत रहता है। और प्लास्टिक के जो आप आर्टिफिशियल वाले लगाते हो ना वो कुछ ही दिन चलते हैं, उसके बाद सब टूट जाते हैं, तो इस वजह से इस बार हमने इसको सिलेक्ट किया है। तो भैया ने बोला है कि इसको मैं इतना बढ़िया कर दूंगा कि आप लोग देखते रह जाओगे। चलिए देखेंगे कि कैसा करने वाले हैं। ये देखिए ये वाली वाइट टाइल्स जो है ना हम लेकर आए हैं, हाँ बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सस्ती भी नहीं है, एक मीडियम रेंज की हैं, और मुझे इस तरह की टाइल्स था मन में कि मुझे ऐसे ही लेना है। और इस बार थोड़ा सा अलग डिज़ाइन करवाने वाले हैं, जो इपॉक्सी होती है, शायद मैं आप लोगों के साथ सही प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ, मुझे भी इसका सही पता नहीं है नाम, इपॉक्सी जो होती है जिसमें लाइनें टाइप की बनी होती हैं, आप लोगों ने देखी होगी कहीं ना कहीं, तो उस
तरह की जो है ना इस बार हम टाइल्स लगवाने वाले हैं वो काफ़ी मजबूत होती है और लोग उसे ज़्यादातर छत पर लगवाते हैं ताकि सीढ़न वगैरह की दिक्कत ना आए। ऊपर वाले फ्लोर में हम इसी तरह की टाइल्स लगवाएंगे ताकि कभी भविष्य में अगर सीढ़न वगैरह की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें बिल्कुल भी फेस ना करनी पड़े। तरह के छोटे छोटे काम जो है ना होना शुरू हो गए। यहाँ पर जो है ना गर्मी के कारण जो है ना बेटू के देखिए कितने सारे रैसेस हो गए थे, इसको पसीना जो है ना जिसे फरना कहते हैं वो फर गया था, इसकी जो आपकी पूरी ऊपर की जो स्किन होती है ना वो निकलने लगी थी। तो इस तरह की कुछ हालत जो है ना हम लोगों की हो गई है इस समय, लेकिन बस वही है कि अच्छे से सारा काम हो जाए तो मतलब ये सारी मेहनत जो है ना पूरी हो जाएगी और मेहनत हमारी सफल हो जाएगी। तो बस इसी में हम लोग लगे हुए हैं, कहीं कोई चूक ना हो जाए। वही छोटी छोटी सारी बातें हैं वीडियो के तहत आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। टाइल्स लगना शुरू हो गया है, जैसे ही पूरी लग जाएगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या कौन सा कैसा डिज़ाइन है। आशा करती हूँ वीडियो के तहत थोड़ी बहुत अगर आपको जानकारी मिली हूँ, ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। घर बनवाते समय आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान ज़रूर रखना है और थोड़ा सा आपको ध्यान ज़रूर देना है। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो बहुत बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, हमारे साथ भी हुए हैं लेकिन वीडियो में मैंने आपको दिखाया नहीं है। बहुत कांड होते हैं, मतलब इतनी दिक्कतें होती हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कि आपको मानसिक टेंशनें होने लगती हैं। बट अब जो है ना हम यूज़ टू हो गए हैं, अब हमको टेंशन नहीं होती है क्योंकि हमें पता है कि ये चीज़ें नॉर्मल हैं, होती ही होती हैं, चाहे आप इनसे कितना भी बस लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।